अगला राज्य जिसकी बारी आ रही है वो राज्य, और जैसा हमने आपको पहले भी कहा कि आप अलग अलग न्यूज चैनल्स के जो आंकड़े संकेत के तौर पर आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं वो अलग अलग राज्यों के हिसाब से चल रहे हैं, अलग अलग चैनल्स के हिसाब से चल रहे हैं, तो उन पर भी नजर गड़ाए रखिए। अगला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है सर। मध्य प्रदेश को लेकर के क्या आप, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी को कई जो चैनल्स हैं वो लैंडस्लाइड विक्ट्री दिखा रहे हैं, कई चैनल्स जो हैं वो थोड़ी सी फाइट भी दिखा रहे हैं, आपका अपना अनुभव, आपने जो लोगों से बात करी, आपने जो वहां पर लगातार यात्रा करी, वो क्या बताती है आपको, आपका अनुभव क्या बताता है कि मध्य प्रदेश में क्या होने जा रहा है? मैं मध्य प्रदेश को लेकर सिर्फ चार पॉइंट बताऊंगा। पिछले विधानसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह ने नर्मदा यात्रा निकाली, एससी एसटी का आंदोलन था, उसके काउंटर में सवर्ण का आंदोलन था जिसकी वजह से नोटा को बहुत बड़ी सपोर्ट पड़े हैं। तीसरा फैक्टर, ज्योतिरादित्य सिंधिया उस वक्त कांग्रेस में थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया के सपोर्टर्स को लगता था कि हमारा जो नेता है वो मुख्यमंत्री बन सकता है, तो उन्होंने एक मुश्त करके वोट दिया था। इस बार के चुनाव में वो तीनों फैक्टर नहीं है। कास्ट को लेकर जो नोटा बीजेपी से नाराजगी थी सवर्णों में, वापस वो सवर्ण बीजेपी की तरफ आए। दिग्विजय सिंह की पदयात्रा नहीं हुई है इस बार मध्य प्रदेश में, वो सिर्फ अपने इलाके तक सीमित रहे, अपने बेटे को ज्यादा वो प्रमोट करने के चक्कर में दिखे, उसका गांधी के आगे पीछे खूब घूमे, इसका असर। तीसरी बात कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ फुल कमांड में थे, कमलनाथ के कमांड में रहने के कारण मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस के दूसरे गुट थे, जो पचौरी गुट हो गया, दिग्विजय सिंह गुट हो गया, वो थोड़े से शिथिल थे। जो एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं, कि मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि कमलनाथ का इलाका है महाकौशल, और महाकौशल में ही सारे तमाम जो एग्जिट पोल बता रहे हैं कि कांग्रेस इस बार पिछली बार के मुकाबले गिर रही है। बीजेपी का पिछली बार बिल्कुल सफाया हुआ था, इस बार 14 से 15 सीटें ज्यादा लेकर आ रही है। तो जब कमलनाथ के अपने इलाके में ये हाल है तो बाकी दूसरा इलाका आप समझ सकते हैं। ट्राइबल वोट पिछली बार कांग्रेस की तरफ से बिल्कुल शिफ्ट हुआ था, इस बार नहीं हुआ है। ट्राइबल वोट मोदी की नीतियों के कारण, जिस दिन मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहे थे उस दिन वो यहाँ झारखंड में बिरसा मुंडा की प्रतिमा पे माला चढ़ा रहे थे, उनके गांव में थे, आदिवासियों के लिए योजनाओं की घोषणा की थी। एक तरफा नहीं है, मैं ये नहीं बोल कांग्रेस को ट्राइबल वोट नहीं मिलेंगे, लेकिन पिछली बार जिस तरह क्लीन स्वीप किया था कांग्रेस ने ट्राइबल क्षेत्रों में, इस बार क्लीन स्वीप नहीं कर रही। सबको देखकर लग रहा है कि बीजेपी अपर हैंड है, और अगर अपर हैंड है, जीतती है, तो शिवराज सिंह चौहान को ही क्रेडिट जाएगा। इस पे एक चीज आपने जातियों की क्योंकि बात की, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो जातिगत गणना वाला कार्ड खेला था अलग अलग जगहों पर कांग्रेस ने, उस पर कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ओवरऑल कंसेंसस ये है कि कम से कम ओबीसी के वोट तो नहीं गए हैं कांग्रेस को? ये साफ तौर पर एक मोटा मोटा जो आंकड़ा, जिसे आप सीधे तौर पर, इसको आप ग्रे में नहीं कहोगे, इसको आप सीधे कहोगे कि भाई ओबीसी के तहत जो कांग्रेस चाहती थी कि जातिगत जनगणना उनके पक्ष में जाए, वो नहीं होता हुआ दिखा है, और यहां पर बीजेपी को ही वोट मिले हैं उसमें। देखिए, तेलंगाना में कास्ट का जो सेंसस है उसका एक फैक्टर था, कर्नाटक में वो फैक्टर था, बिहार में वो फैक्टर है, हो सकता है पूर्वांचल में वो फैक्टर, उत्तर प्रदेश में बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में मुझे चुनाव के दौरान कम से कम ये जातिगत जनगणना को लेकर बहुत ज्यादा कुछ बज दिखाई नहीं दिया। ठीक है, इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि खुद मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान है भाजपा की तरफ से, वो ओबीसी हैं, और कांग्रेस ने जिस नेता को वो प्रोजेक्ट किया है वो कास्ट के मामले में अगर कह दें तो वो बहुत ही माइनॉरिटी में है, तो वो जानबूझकर कांग्रेस इसको बहुत ज्यादा नहीं प्ले कर रही थी मध्य प्रदेश के चुनाव में, तो बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दिया। लेकिन अगर तबकों की बात करें, जातियों की बात करें, तो महिलाओं के बीच शिवराज सिंह चौहान अपर हैंड, ओबीसी के बीच शिवराज सिंह चौहान अपर हैंड, सवर्ण के बीच शिवराज सिंह चौहान अपर हैंड, ये तीन में तो स्पष्ट दिख रहा है कि सवर्ण इस बार ज्यादा दिए हैं, जो तरीत सिंधिया की वजह से हो, बीजेपी की वजह से, हिंदुत्व नीति के कारण हो, लेकिन इन तीन सबकों में अगर बीजेपी अपर हैंड दिखाई दे रही है तो मुझे लगता है 130 से 135 सीटें आनी चाहिए बीजेपी को, पिछली बार से अगर 10-20 सीटें भी बढ़ती है तो। 7 सांसद और 3 केंद्रीय मंत्रियों को अगर आप उतार रहे हो, वो भी विधानसभा चुनाव में, इसको आप किस तरीके से देखते हो? क्योंकि इसका इम्पैक्ट सिर्फ इतना नहीं है कि भाई आप उस जगह तक सीमित रख रहे हो, अगर आप कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर की तरफ उठाने की कोशिश कर रहे हो तो आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि वो पूरा का पूरा इलाका आप माप रहे हो उनकी तरफ से, तो ये आपको लगा है कि एक बहुत पॉजिटिव मूव था, या कई लोग इसे ये भी कह रहे हैं कि यार देखो इतने बड़े बड़े मंत्री थे, इतने कद्दावर नेता थे, और इनको आपने जो है वो विधायकी का चुनाव लड़वा दिया, इसको आप किस तरीके से देख रहे हो, ये जो आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं? जी, कैलाश ने तो कहा कि मैं तो सोचता था कि हेलीकॉप्टर से आके प्रचार करे चला जाऊंगा, मोदी जी ने जी हां मुझे गली गली उतार दिया देश में, लेकिन ये भले ही खुद हार जाए लेकिन इनके कारण आसपास की जो विधानसभा सीटें हैं वो जीत रही है बीजेपी। ये रणनीतिक रूप से बीजेपी के लिए ज्यादा सीट वाइज ज्यादा फायदा पहुंचाएगा,
एक वीआईपी कैंडिडेट के बारे में तो मैं बता सकता हूं कि उनकी सीट फंसी हुई है, हो सकता है कि वो हार भी जाए। इस पे मैं आपसे एक चीज अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि मोटे मोटे तौर पर आप क्या कहोगे कि कौन सी ऐसी चीज थी जो बिल्कुल लैंडमार्क हो गई, जो जिसे आप कहोगे कि भाई ये योजना या ये रणनीति या इस तरीके से जो चुनाव लड़ी है बीजेपी मध्य प्रदेश में, उसने कहीं ना कहीं पूरी तरीके से चीजें बदल दी पूरी तरीके से, कोई एक चीज अगर आप पिन पॉइंट करना चाहो। बीजेपी के पक्ष में जो बातें थी, शिवराज के जो महिलाओं के लिए योजना, वो जो तिरादित सिंधिया फैक्टर जो कि बीजेपी के तरफ आए, उन्होंने बहुत मेहनत की है। रात के 12-12 बजे तक वो छोटे छोटे गांव में जाकर सभा करते हुए दिख रहे थे। और जो कि कास्ट कम्बिनेशन, जिस तरह आरएसएस का एक ग्राउंड फोर्स है मध्य प्रदेश के अंदर, उन्होंने बहुत मेहनत की है पिछली बार चुनाव को देखते हुए। 2018 से निश्चित तौर पर बेहतर स्थिति में बीजेपी है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कमलनाथ को लेकर सहानुभूति थी कि देखो ये बेचारा पिछली बार सरकार में आया था लेकिन गलत तरीके से उसे हटा दिया गया, तो एक सिंपैथी फैक्ट उसके बाद दलित आदिवासी मुस्लिम थे वो सब बिल्कुल कांग्रेस की तरफ थे। एक और फैक्टर जो कांग्रेस के पक्ष में थी, जो बहुत मजबूत फैक्टर थी, वो ये थी कि एक पूरी की है जिन्होंने मध्य प्रदेश में कोई दूसरी सरकार ही नहीं देखी है, वो लगातार शिवराज सिंह चौहान को ही देखे जा रहे थे। एक एंटी था, थकान था, फटिक फैक्टर था, वो कमलनाथ के पक्ष में जा रहा था। तो तीन फैक्टर इनके पॉजिटिव उनके तरफ, और ये अगर आप स्वीपिंग फैक्टर इसे मान सकते हैं कि भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए जो एक लिटमस टेस्ट था, ये सबसे बड़ा एक तरीके से विधायकी का मतलब विधानसभा का चुनाव उनके अपने हिसाब से, मतलब ऑब्वियसली बीजेपी की एक अलग लड़ाई थी लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया एक अलग ही लड़ाई लड़ रहे थे, चाहे आप चंबल और ग्वालियर से जोड़कर उसे देखें। महाकौशल की बात आपने की, फिर हमने लगातार अलग अलग इलाकों की बात की है जहां पर उनका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है, तो वो आप मानोगे कि उनके लिए लिटमस टेस्ट था, जो अगर नंबर्स उनके फेवर में आते हैं तो आगे आने वाले समय में अपने आप को मुख्यमंत्री की भूमिका में भी देख सकते हैं मध्य प्रदेश में। सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रहे थे वो, अब तक या तो सांसद होने के लिए लड़ते थे या फिर जब कांग्रेस में थे तो पिछली बार मुख्यमंत्री बनने के लिए, लेकिन इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रूव करना था। पिछली बार जिस तरह से राजपूत मतदाता बीजेपी के से छिटके थे, उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी थी विजय करें बीजेपी के अंदर रह के राजपूत वोटरों को लेकर। उसके बाद चूंकि इन्हें प्रूफ करना था कि जिस इलाके में पिछली बार बीजेपी डाउन हुई थी हमारे आने की वजह से बढ़ी है, बहुत मेहनत किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। अगर बीजेपी वहां जीतती है, सरकार बनाती है, तो निश्चित तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की मेहनत को भी सलाम करना होगा। उन्होंने रात दिन नहीं देखा, पहली बार उतने बड़े नेता को जमीन पर उतर के हमने छोटी छोटी सभाएं करते देखी है, 10-20 लोगों को संबोधित कर रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, और वो भी अपने गढ़ में अपने इलाके में जहां राजवाड़ा है, जहां सिर्फ महल बोल देगा तो वोट दे देंगे, लेकिन गांव गांव जाके टोला में जाके वो छोटे छोटे लोगों को 10-10, 20-20 लोगों को संबोधित कर रहे थे, वो भी रात के 11-12 बजे तक। जी ठीक है, ये मध्य प्रदेश की बात हो गई भाई, राजस्थान और मध्य प्रदेश की तस्वीर हमने आपके सामने रखी है चर्चा के माध्यम से।